भिंड की कोतवाली थाना पुलिस ने रेत की अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए ओवरलोडेड 13 ट्रैक्टरों को पकड़ा। पुलिस की कार्यवाही को देखते हुए ट्रैक्टरों के चालक वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टरों के वैध व अवैध रेत परिवहन एवं ओवरलोड संबंधी जांच को लेकर खनिज विभाग को मामला सौंप दिया है। इस संबंध में भिंड की कोतवाली और खनिज विभाग के अफसरों की संयुक्त टीम मामले की जांच करेगी। कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा के मुताबिक भिंड की सड़कों पर ओवरलोड होकर ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरे हुए दौड़ रहे थे। बुधवार की जल्द सुबह ऐसे वाहनों पर कार्यवाही के लिए पुलिस फोर्स दलबल के साथ सड़क पर उतरा। सड़क पर ओवरलोड नजर आने वाले रेत से भरे 13 ट्रैक्टर ट्राली पकड़े। पुलिस की कार्यवाही को देखते हुए अधिकांश ट्रैक्टर ट्राली के चालक वाहनों को छोड़कर भाग निकले। इन सभी वाहनों को कोतवाली थाना परिसर में खड़ा कराया गया। इन वाहन चालकों से रेत परिवहन की रॉयल्टी रसीद व ट्रैक्टर के आवश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। माइनिंग अफसर को रेत से भरे ट्रैक्टर के पकड़े जाने की सूचना भी दी जा चुकी है। खनिज मामले में माइनिंग अफसर अभी जांच करेंगे। नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पकड़े गए ट्रैक्टरों में अधिकांश पर नंबर प्लेट गायब है। भिंड जिले की भरौली थाना पुलिस के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रेत के ट्रैक्टर पर बड़ी कार्यवाही की है। सुबह 10:30 बजे तक पकड़े गए ट्रैक्टरों के चालक व मालिक दस्तावेजों के साथ थाने में उपस्थित नहीं हो सके थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए ट्रैक्टरों के छुड़ाने के लिए नेता, पुलिस जवान व पत्रकार सिफारिश लेकर पहुंचे। बताया गया कि पकड़े गए 13 ट्रैक्टरों में अधिकांश नेता पुलिस पत्रकारों की है या फिर उनके संरक्षण में चलाए जा रहे थे।